हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैडम वॉशिंग के बारे में बताओ, वॉशिंग कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको कुछ वॉशिंग के टाइप बता रही हूँ जो हमारे गारमेंट के एक्सपोर्ट में यूज़ होते हैं। बेसिकली क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी वॉशिंग आपको करानी होती है, मैं वो पूरा क्योंकि मैंने जो यूज़ किया है मैं आपको वही बताऊँगी। ठीक है, मैं कोई किताबी बातें नहीं बताऊँगी, मैं प्रैक्टिकली हम लोग कौन कौन सी वॉशिंग कराते थे ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। ये मैंने कमेंट देखा है, काफ़ी टाइम से लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैडम वॉशिंग के बारे में बताओ, कितने टाइम की वॉशिंग होती है, ये सारी चीज़ें। तो आज ही जस्ट मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया कि नहीं इसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। जितना भी मुझे आता है मैं आज आपको बताऊंगी हमारे एक्सपोर्ट में, हमारे गारमेंट की इंडस्ट्री में कौन कौन सी वॉशिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, नंबर एक आपको क्या करना है, जैसे आपका कोई नॉर्मल गारमेंट है कि और जैसे कोई नॉर्मल वॉश है कि आपको आपका कपड़ा है, प्रिंटेड फैब्रिक है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल इसको वॉश करनी है, उसमें कलर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आप इसको नॉर्मल वॉश करना है, सिर्फ पानी में डीप करना है या फिर आपको इसको सर्फ एक्सल में वॉश करना है। जैसे आपको थोड़ा सा डल चाहिए, ठीक है, जैसे हमें क्या होता है ना कि बहुत जैसे कोई कपड़ा ऐसा होता है उसको थोड़ा सा डल चाहिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं उसको टिपॉल वॉश करो। ठीक है, तो हम लोग उसको टिपॉल वॉश कराते हैं। मैं नॉर्मल वुवन फैब्रिक की बात कर रही हूँ, अभी दूसरे अदर फैब्रिक की नहीं, मैं वुवन फैब्रिक की बात कर रही हूँ कि अगर नॉर्मल कोई फैब्रिक है जिसको हमें लग रहा है कि यार उसका कलर हमें डल करना है, तो हमें क्या करते हैं उसको हम टिपॉल वॉश में करते हैं। ठीक है, और उसको हमें कोई फैब्रिक है जिसको हमें सॉफ्ट करना है कि यार बहुत हार्डनेस, इसकी जो हैंड फील है ना काफ़ी हार्ड है, बहुत हार्श है, मुझे ये सॉफ्ट चाहिए, तो इसके लिए हम लोग सिलिकॉन वॉश करते हैं। ठीक है, आप सिलिकॉन वॉश में कलर भी डल होता है और हैंड फील उसकी बहुत ही सॉफ्ट होती है। अब ये देखना है कि आपको कितना सॉफ्ट चाहिए, जैसे आप जब वॉशिंग में कोई चीज़ देते हो फैब्रिक वाले को तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि उसको कितना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जब वो सिलिकॉन डाल देगा, जब बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड कर देगा तो वो चिपचिपा सा हो जाएगा जो फैब्रिक है ना, फैब्रिक फिर वो लिम्पी सा हो जाएगा, चिपचिपा सा हो जाएगा, उसमें ना वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी। तो ये भी चीज़ें बहुत समझनी है कि ऐसा नहीं किसी भी चीज़ की जब अधिकता ज़्यादा हो जाती तो भी दिक्कत होती है, तो आपको कितना सॉफ्ट चाहिए आपको अपने वॉशिंग वाले को हमेशा ये बताते रहना है कि आपको कितनी हैंड फील चाहिए उसकी। ठीक है, नहीं तो फिर हाथ में आएगा, हाथ भी चिपचिपा हो जाएगा, फैब्रिक ख़राब हो जाएगा, तो वो भी ध्यान रखना है कि आपको कैसा करना। हैंड फील अगर सॉफ्ट चाहिए तो आपको सिलिकॉन वॉश कराना ही पड़ेगा। और हम लोग अक्सर हमारे वुवन जो फैब्रिक होते हैं हमारे इंडस्ट्री में, हम लोग हल्का सिलिकॉन वॉश कराते हैं, उसमें आपके जो भी सर्फ एक्सल डालना है, टिपॉल वॉश करना है, वो उसमें डालते हैं। लेकिन जैसे कलर के ऊपर वाइट कलर आ गया, उसको ब्राइटनेस चाहिए, उसको डल नहीं चाहिए, तो उसमें टिपॉल वॉश हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम डेनिम की बात करें, डेनिम में अगर हम जाते हैं तो डेनिम में एंजाइम वॉश होता है। ठीक है, डेनिम में ज़्यादातर एंजाइम वॉश होता है। एंजाइम वॉश के साथ अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो एंजाइम के साथ सिलिकॉन भी करते हैं लोग, तो डेनिम जो एंजाइम वॉश होता है। ठीक है, मैंने डेनिम किया हुआ है, मैंने वुवन फैब्रिक किया हुआ है, तो मुझे इन्हीं सब वॉशिंग के बारे में मुझे पता है। मुझे नहीं ये पता कि मैं कोई किताबी नहीं, प्रैक्टिकली हमारे फैक्ट्री में कितनी ज़रूरत होती है वॉशिंग को मैं जानती हूँ। और मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, क्यों रो रही है, वो आ रही है और वर्क भी करते हैं। ठीक है, और जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह का कोई पीस है तो उसको भी वॉश करते हैं, नॉर्मल पानी में डीप करते हैं उसको। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा फैब्रिक है। तो वॉशिंग के बारे में यही है, और कुछ वॉशिंग का कोई टाइप वाइप नहीं है कि कितने तरह की वॉशिंग होती है। आपको अपने इंडस्ट्री में यही सारी वॉशिंग की ज़रूरत है जो आपको बेसिकली सब लोग पूछते हैं। ठीक है, और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कोई वॉशिंग का प्रोसीजर, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में यही सारे नॉर्मल वॉश होते हैं। ठीक है, और कोई और या फिर कुछ और आपको प्रैक्टिकली नहीं, आपको थ्योरी में जाना है तो वो अगर आप पूछना, आप लोग को अगर ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको थ्योरी में चाहिए तो कमेंट करना, तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करें।